है निशात खान, बैक अगेन विद द वीडियो गाइस। तुम्हारा भाई फाइनली वीडियो लेके आ चुका है और आई नो यार काफी लेट हुई ये वीडियो, बट आ गई है यार वीडियो। सो वीडियो की रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, सो क्या करना गाइस, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एल्गोरिथम चल के वीडियो देखते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, हाय, अरे इग्नोर मार दिया। हेलो एक्सक्यूज मी, वेट, हाय यार, एक्चुअली मैं आपको वहाँ से देख रहा था तो शायद आप अपसेट से लग रहे थे मेरे को, तो आपका नाम क्या है? निशा। हाय निशा शहजाद, तो लाइक जान सकते हो, लाइक आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं हम लोग? तो जान जाओगी, बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा कैसे बात करूँ? नहीं करोगे? कर लो यार। अरे आप कहाँ जा रहे हो यार, इग्नोर मार दिया। चलो देखते हैं, किसी दूसरे का वेट करते हैं फिर। अरे वापस क्यों आ रही है? हाय, आपको हेल्प चाहिए? हाँ करेंगे, बताओ क्या हेल्प करनी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। मैं यहाँ पे ना, मैं दिल्ली में न्यू नहीं आई हूँ और ना मेरे को, मैं यहाँ पे जानती भी नहीं किसी को। और आप जानते नहीं हो किसी को? और ना मेरी मम्मी, मतलब मेरे को ना यहाँ पे तीन चार बॉय छेड़ते हैं, कमेंट करते हैं यार। देखो दिल्ली में तो ये सब तो होता ही होता है, तो मैं यहाँ पे जानती नहीं हूँ किसी को। और मेरी मम्मा ने कहा है कि मैंने अभी अपने मम्मा से फोन पे बताया कि मतलब मेरे बगल में जो बॉय फ्लैट है, तीन चार फ्लैट के बगल में, तो वो ना मुझे कमेंट करते हैं, मुझे छेड़ते हैं। आपको छेड़ते हैं? हाँ जी। आप पुलिस कंप्लेंट कर दो यार फिर। एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, दिल्ली में न्यू नहीं आई है, तो मैं ऐसे कैसे कर दूँ? देखो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कंप्लेंट करनी पड़ेगी फिर उसकी आपको, यही सोल्यूशन है। आप नए हो ना यहाँ पर, तो इसलिए शायद वो छेड़ रहा हूँ आपको, कंप्लेंट कर दो, सही बता रहा हूँ मैं। आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट चाहिए आपको मेरी, क्या करना बताओ? बस कुछ नहीं, आपको मतलब मेरे साथ जाके थोड़ा सा मतलब बोलना है, उनको सपोर्ट करना है थोड़ा। अच्छा मैं आपके साइड से जाऊं और उनसे लड़ाई करूं? नहीं। लड़ाई नहीं करनी है, थोड़ा सा मतलब उन्हें बताना है कि आपको मेरा साथ देना है, मतलब आपके साथ जाऊं और आपकी हेल्प करूं, आपको सेव कर रही, लाइक फाइट करूं उनसे मैं। अच्छा ज्यादा बंदे उनके पास तो मारेंगे पकड़ के मेरे को। अच्छा वो मारेंगे नहीं, वो ना मतलब कमेंट, वो मारने वाले का इशू नहीं है, बट आपको इनसे, आप देखो आपके साथ ही पुलिस होगी तो आपको डरने की क्या बात। चलो एक काम करते हैं, मैं चल सकता हूँ आपके साथ, हेल्प कर दूंगा आपकी, अगर वो परेशान करते हैं बात कर लेंगे उनसे, ठीक है? तो पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है आपको उनके बारे में? करनी चाहिए वैसे तो। तो आपको भी भाई वही कुछ कोई नहीं है क्या? भाई आप ब्रदर बॉयफ्रेंड? और मैं और मेरे फादर है, फादर जॉब में लगे रहते हैं और मैं यहाँ पर नहीं आई। और बॉयफ्रेंड भी नहीं आपको? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे नहीं नहीं है बॉयफ्रेंड, तो वो दूर की बात है, फ्रेंड भी नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड भी नहीं है, तो फ्रेंड हम लोग बन जाते फिर, है ना? फ्रेंडशिप तो करेंगे फिर हम लोग, आपको मैं छोड़ दूंगा घर तक, फ्रेंडशिप तो करेंगे हम लोग, ठीक है? करोगे ना पहले एक क्लियर कर लो, फिर बाद में ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। एक्चुअली अभी फ्रेंड ही है, देखो मैं। हाँ फ्रेंड ही कह रहा हूँ, फ्रेंड बन जाओगे ना? तो कितनी दूर है से आपका घर? यहाँ से राइट लेके लेफ्ट में जाना, राइट हाथ के मेरा फ्लैट। ज्यादा दूर तो नहीं है, मैं हेलमेट नहीं है मेरे पास। फाइव मिनट का रास्ता है, पुलिस पकड़ ले मेरे को। नहीं नहीं, फाइव मिनट का रास्ता है, तो छोड़ दूँ आपको मैं। तो यार मैं, अच्छा मैं छोड़ दूंगा आपको, बाइक से चलेंगे ना हम लोग या कुछ ऑटो से? बाइक से, ठीक है मैं छोड़ दूंगा आपको, लेकिन आपको ना एक काम करना होगा, एक घंटे बाद हम लोग कॉफ़ी पे चलेंगे साथ में। हाँ जी, एक घंटे बाद कॉफ़ी पे चलेंगे साथ में। अच्छा मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगी, देखो मैं यहाँ पे नहीं नहीं आई हूँ। मम्मी तो मना कर देंगी यार। नहीं मेरी मम्मी फ्रेंक है, मैं बता देंगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। कॉफ़ी पे जाओगे? नहीं जाओगे? चलोगे ना फिर शाम, एक घंटे बाद तो मैं फिर छोड़ूंगा। चलो ठीक है मैं चलते हैं, चलो साथ में, चलो फिर बैठ जाओ।